पीछे शांत कर ना, शुरू किया जाए मैम। सिंगल सिंगल ना, सिंगल का पहले मैम बोलेंगे ना। पीसी है ना, क्या है ये मशीन, बच्चे वाला है ना? नहीं, अभी आईवीएफ का है, बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं इसका शुरू से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले से अभी बांझपन की समस्या बहुत बढ़ गई। दूसरी बात, पहले लोग बांझपन में दूसरी शादी कर लेते थे या फिर बहुत सारी समस्याएं होती थी, अभी लोग छुपाते रहते थे। वो आजकल पढ़ने लिखने और उसकी वजह से थोड़ा अच्छा हो गया, लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो बांझपन असल में है क्या, दो तीन तरह से होता है, या तो मर्द का हो या औरत का हो, दोनों में 50-50 है। मर्द में है कि उसको स्पर्म बन ही नहीं रहा है, फीमेल में है कि कई तरह से, मेन जो मैडम बताई कि ट्यूबल ब्लॉक होता है, जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उससे दो ट्यूब निकलता है जो कि अंडा, जो ओवरी होता है जिसमें अंडा बनता है, उससे अंडा उस ट्यूब से होते हुए आता है वो यूट्रस में और इधर से स्पर्म जाता है, तो दोनों मिलके। लेकिन जब जिस ज़्यादातर केस में या तो अंडा कम बने या बनाने की जरूरत पड़े या ट्यूब में ब्लॉक हो, उस कंडीशन में इस तकनीक रामबाण है, क्योंकि तब यदि अंडा भाई ट्यूब ब्लॉक है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका अंडा निकाल लेते हैं डायरेक्ट, और स्पर्म उसके हस्बैंड का, या हस्बैंड का नहीं बना तो उसके हिसाब से जो डोनर प्रोवाइड करेगा उसको बाहर में हम लोग अपने लैब में उसको फर्टिलाइज करा के उसका एक पीरियड होता है, जैसा कि इन्होंने बताया 3rd day या 5th day में, या फिर उसको रखा भी जा सकता है, फ्रीज भी किया जा सकता है, जो वर्षों तक फ्रीज हो सकता है, वर्षों तक हो सकता है, और जब जरूरत हो उस समय उसको डाला जा सके, या फिर पहला किए और उसमें फेल हो गया तो उसका कुछ और अंडे और होती है बचे हुए, नेक्स्ट साइकिल में। खर्च क्या है सर, ये बता दीजिए। देखिए, खर्च तो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन बढ़ते रहता है, लेकिन हमारे हिसाब से मोटा मोटी इसका एवरेज खर्च बाहर में सिंपल डॉक्टर के यहाँ 2 लाख के आसपास है, लेकिन हम लोगों ने उसको आधा से भी कम पे रखा है, क्योंकि इसकी जो दवा चलती है मोटा मोटी टोटल दवा यदि चलाया जाए 50,000 के आसपास दवा कहीं कॉस्ट आता है, उसके बाद जो ये सब मशीन करेगी। तो अभी हम लोग का, हम लोग तो बस वैसे ही कर रहे हैं कि हमारा इलाका इसके जानकार हो और देख लेता है कि दवा इतनी एक्सपेंसिव, लोग खुद खरीद के लाता है, दवा में 50 से 1 लाख लग जाते हैं। खर्च डिपेंड करता है उम्र पर, उसका पद्धति के इलाज की प्रक्रिया है। ये खासकर तब इन्वेंट हुआ था जब ट्यूबल ब्लॉक का समस्या उत्पन्न हो गया था। ओवरी एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है जो ट्यूब और से कवलेट होता है यूट्रस में, अगर ट्यूबल ब्लॉक है तो अंडे यूट्रस में नहीं आ पाएंगे, तो इसकी खोज हुई थी आईवीएफ की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बाहर में फर्टिलाइज करने की प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ करते हैं। इसमें ओवम को, मतलब उसके फीमेल के जो एग है उसको बाहर निकालते हैं, पुरुष के सीमेन और स्पर्म से मिलाकर फर्टिलाइज करके या तो 3 दिन पे या 5 दिन पे वापस उसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। 3 दिन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं 5 दिन में भी। अब बस रह गया कि उसको यूट्रस में वो अटैच हो रहा है कि नहीं, अटैच होने की प्रक्रिया 100% अभी सक्सेस नहीं है, इसलिए ये प्रक्रिया भी 40% सक्सेस रेट पर ही निर्भर है, क्योंकि यूट्रस उसको एक्सेप्ट करता है या फिर पीरियड के साथ ही वो वापस फ्लश हो जा रहा है, इसकी पूरी तरह से अभी इसके मैकेनिज्म को समझा नहीं जा सका। तो अभी भी ये 40% सफलता है, लेकिन फिर भी 40% है जो बाकी प्रक्रियाओं से सब बहुत ही ज़्यादा है। यानी बांझ जो महिलाएं हैं उनके लिए एक रामबाण या जिनके एक कम बन रहे हैं, तो हाई डोज में एक बनने वाली दवा देके उसको उसको बढ़ाया जाता है। जब उसकी साइज 20 तक पहुंच जाता है तो उसको सक्शन से बाहर निकालते हैं, वो सक्शन बॉडी टेम्परेचर इतना मेंटेन रहता है और उसमें फ्लूड भी वही होता है जो बॉडी और यूट्रस में शामिल रहता है, फिर इसको मशीन में फर्टिलाइज करके वापस करते हैं। नॉर्मल महिलाओं के साथ ये हो सकता है जो, हाँ नॉर्मल, या फिर इन अनएक्सप्लेन, मतलब इसके कारण ही पता नहीं है कि क्यों नहीं बच्चा हो रहा है, उसमें भी ये किया जाता है। ट्यूबल ब्लॉक इसका मेन इंडिकेशन है, मेन जिसको ट्यूब ब्लॉक है उसके लिए है, लेकिन किसी में भी जो 35 ईयर्स तक नहीं हो पा रही है गलती, उनके लिए थोड़ा सा चांसेस बढ़ाता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो महिलाओं के गर्भाशय की समस्या सबसे ज़्यादा नजर आ रही है, अभी जो कम उम्र की जो लड़कियां उनके साथ ही समस्या हो रहा है, ऐसे में ये खासकर गर्भाशय की समस्या का निदान के लिए नहीं है। अगर आपको फाइब्रॉयड है तो ये इसमें बहुत फ़ायदा नहीं करेगा, ये ट्यूब ब्लॉक, चाहे अंडा नहीं बन रहा है, चाहे सीमेन की क्वालिटी खराब है, काउंट कम है,
तो फर्टिलाइज देख के हम लोग वापस डालते हैं कि हाँ कंफर्म हो गया कि फर्टिलाइज हो गया तो डालते हैं। फाइब्रॉयड वगैरह में इसकी ज़्यादा सफलता नहीं होती। इसका